Thank you, Gita. Angkuila no norokno khulungma skangya pharo khulukha jatanono no. Manch me party president Vijay Kumar Rangkhol, minister chairman sahab, EMs, MLAs, MDCs, TWF, central advisory chairman members, my MLAs, block presidents, district presidents, Burui Badal, sabko सबसे पहले मैं नाम नहीं लूंगा लंबा क्योंकि आई हैव टू गो एंड मीट द चीफ मिनिस्टर आफ्टर दिस. मेरा एक मीटिंग है मुख्यमंत्री से, इसके बाद मुझे दिल्ली जाना है. मैं आपको सबसे पहले अपने बुरी बदल को आज फाउंडेशन डे में हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं. और मैं आप सबको, आप लोग ने हमेशा बुबागरा के लिए आई क्लॉथन बोला है, हमारे लीडर्स के लिए बोला है, लेकिन आज मैं मन से सबको बोलना चाहता हूं, आप लोग सब सीनियर्स है, हमारा बुरी बदल के लिए भी आप लोग थोड़ा सा ताली मार दीजिए. देखिए, मैं बहुत क्लियर हूं. हमने अग्रीमेंट साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अपने आप को हमने निगोशिएट करके, अपना तिपरासा का इंटरेस्ट को रख के, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अग्रीमेंट साइन किया है. अग्रीमेंट साइन करना एक चीज है, अग्रीमेंट को ग्राउंड में लाकर अपना गरीब तिपरासा को अधिकार देना, उसके लिए फाइट और भी इंपॉर्टेंट है. पहले भी बहुत अग्रीमेंट्स हुआ है. इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर हुआ 1949 में कंचन प्रभा देवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, लेकिन तिपरासा अपना ही जमीन में उसके बाद माइनॉरिटी बन गया. जो सुरक्षा मिलने का बात था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुरक्षा देने के लिए बात किया था, वो सुरक्षा हमारे तिपरासा को नहीं मिला. इसी के लिए जहां में हम लोग मेजॉरिटी में थे, आज हम लोग उसी राज्य में माइनॉरिटी में. उसके बाद विजय कुमार रंगखोल, टीएनवी अकॉर्ड हुआ राजीव गांधी के साथ 1988 में, उसमें भी कहा गया कि बाउंड्री से अब इलीगल इमिग्रेशन को अलाउ नहीं करेंगे. लेकिन हम लोग आज भी जानते हैं कि इलीगली बांग्लादेश से लोग आज भी हमारे जमीन में आ रहे हैं. वो अग्रीमेंट को भी 100% इंप्लीमेंट नहीं किया गया. उसके बाद एटीटीएफ अकॉर्ड हुआ, वो अग्रीमेंट को भी 100% इंप्लीमेंट ठीक से नहीं किया गया. एनसी दे बर्मा, आईपीएफटी 2018 में, आज जब हमने अग्रीमेंट साइन किया है तो हमको भी सोच के रखना है कि जो गलती पहले हुआ वो आज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अग्रीमेंट महाराजा ने अपने लिए नहीं किया है, अपने लोगों के लिए किया है, और हमको जवाब देना है पब्लिक को. बहुत लोग ने पिछले 3 महीने से, स्पेशली सीपीएम से सवाल उठाया, सीए क्या होगा, का क्या होगा, महाराजा चुप क्यों है. जब सीए पास हुआ तब त्रिपुरा से कोई सीपीएम का लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं किया, मैंने किया. और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हो कि आप सीए का अगेंस्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में महाराजा सीए के खिलाफ फाइट कर रहा है. ये बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट में. अगर ये बिल को हराना है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हरा सकता. इसको अगर हराना है तो सुप्रीम कोर्ट ही इसको हटा सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट पे केस मैं फाइट कर रहा हूं. मेरा स्टांस
और सीपीएम का स्टांस में बहुत फर्क है। बुबाग्रा का कहना है कि जो भी बांग्लादेश से आया है वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, अगर इलीगली वो इंडिया में आया है तो त्रिपुरा में आप इनको रख नहीं सकते, क्योंकि त्रिपुरा ने पहले से बहुत लोगों को रखा है। सीपीएम का स्टांस है, कांग्रेस का स्टांस है कि आपने हिंदू को अलाउ किया है, क्रिश्चियन को अलाउ किया है, बुद्धिस्ट को अलाउ किया है, मुसलमान को भी रखो तब सीए ठीक है। नहीं, हमको और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से त्रिपुरा में बहुत लोग आ चुके हैं, अब हम और लोगों को रखना नहीं चाहते हैं, कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, हमने पहले से बहुत लोगों को रखा है। पहले हमें अपने त्रिपुरा के लोगों को नौकरी देना है, आपको बच्चे को शिक्षा देना है। अगर हम लोग बाहर से लोगों को लाते रहेंगे वोट बैंक के लिए, बीजेपी अपना वोट बैंक देख रहा है, सीपीएम अपना वोट बैंक देख रहा है, लेकिन तिपरासा के